साथियों, कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देती है। जब भी ये पार्टी संकट में आती है तब झूठे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है। आपको गजनी फिल्म याद है ना? 2009 में इन्होंने कहा कि किसानों के घर पर आकर समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाएगा। अरे घर तो छोड़िए, मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीद पाए। ये बीजेपी, शिवसेना, एनडीए की सरकार है जिसने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा किया। ये एनडीए की सरकार है जिसने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराने का काम शुरू किया है। साथियों, ये कांग्रेस वाले हर ढकोसला पत्र में किसान को सिंचाई से जोड़ने का वादा करते हैं, लेकिन इनकी लटकाई 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पूरा कर रही है। इन्होंने गरीबों को आरक्षण देने का भी वादा किया था, लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम किया तो ये चौकीदार ने किया, वो भी बाकी किसी भी वर्ग का हक छीने बिना, कोई भी छेड़छाड़ किए बिना, किसी के हक को छुए बिना, सारे समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाए रखते हुए इतना बड़ा फैसला हमने कर लिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए ही काम करती है और चौकीदार की सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस नहीं कर पाई, आपके चौकीदार की सरकार ने उस काम को भी पूरा किया। इसी तरह बंजारा समाज को कभी कांग्रेस ने याद नहीं किया, एनडीए की महायुति की सरकार ने ही इस वर्ष के बजट में घुमंतू समुदाय के लिए पहली बार वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है।